लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सुनील राठी ने कबूला मुन्ना बजरंगी पिस्टल लाया था, मैंने छीनकर उस पर 10 गोलियां दाग दी। हत्या के बाद सुनील ने पिस्टल गटर में फेंक दी और जिसे खुदाई और काफी पानी निकालने के बाद बरामद कर लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश सुनील राठी। फाइल फोटो, खास बातें। सुनील राठी ने कबूला मुन्ना बजरंगी की हत्या की बात मानी। पिस्टल बरामद बागपत। पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुनील राठी ने कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि दोनों हाई सिक्योरिटी बैरक में बाहर बैठकर पहले बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान मुन्ना बजरंगी ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। झगड़ा इसी बात पर शुरू हो गया। सुनील का दावा है कि पिस्टल मुन्ना के पास थी, उसने छीन कर मुन्ना को 10 गोलियां मार दी। मुन्ना और सुनील राठी बड़े अपराधी हैं। दोनों ही पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में साथ रह चुके थे। सुनील उत्तराखंड में कुछ लोगों से जबरन उगाही कर रहा था, क्योंकि सुनील लंबे समय तक उत्तराखंड की जेल में रहा है और वहां कई बार गया भी है। सुनील राठी जिन लोगों से उगाही कर रहा था वो मुन्ना बजरंगी के आदमी थे। मुन्ना इससे एक बार पहले भी कह चुका था कि क्या सुनील ने उसकी सुपारी ले रखी है। 20 साल में 40 हत्याओं के आरोपी मुन्ना बजरंगी को एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने मारी थी 11 गोलियां। 10 बड़ी बातें। हत्या के बाद सुनील ने पिस्टल गटर में फेंक दी और जिसे खुदाई और काफी पानी निकालने के बाद बरामद कर लिया गया है। साथ में एक बुलेट और 2 मैगजीन भी बरामद हुई है। इसके साथ ही 10 खाली खोखे भी मौके से पड़े मिले हैं। सुनील राठी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस भी दर्ज किया गया है। बागपत जेल में डॉन का कत्ल। गौरतलब है कि सोमवार की सुबह मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे एक विधायक से रंगदारी मांगने के मामले में पेशी पर झांसी से यहां लाया गया था।